ऑनलाइन बिजनेस करते करते कैसे होता है आपके साथ क्राइम, कैसे करते हैं आपके साथ फ्रॉड। आप बाल बेच देते हो लेकिन कस्टमर आपको बना देते हैं चूतिया, आप ये सोचते होगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कैसे आपके साथ स्कैम होता है, ये स्कैम रास्ते में किस प्रकार से होता है मैं आपको आज। मान लीजिए आप ऑनलाइन 200 रुपए का ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये टी-शर्ट आप 200 रुपए का ऑनलाइन बेच रहे हैं। उसके बाद होता क्या है ऑनलाइन में, लोग परेशान क्यों है ऑनलाइन में, क्योंकि अगर 200 का चीज बेचने के बाद अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है और रिटर्न चार्जेस कट जाता है टोटल 180 रुपए। आपने 200 का बेचा, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, आपका प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आया, तो 180 रुपए बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान कहां पे होगा, आपके मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट आपका 100 रुपए का है और 180 रुपए आपके अकाउंट में आने के बाद 100 रुपए का तो चीज आपका। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी नहीं 99% क्या होता है, आपको ईमानदारी से एक बिल निकालते हैं और बिल निकालने के बाद ये इस तरीके से बिल डालते हैं और इस तरीके से यू उठाते हैं और यू करके पैक करके कस्टमर को दे देते हैं। बड़ा ही नॉलेज वाली वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में नुकसान कैसे होता है। आपने क्या करा, इस तरीके से पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद माल आपने आगे डिलीवर कर दिया। अब जब ये शिपिंग के लिए रास्ते में इस तरीके से चलता रहता है, कस्टमर के पास पहुंचने से पहले किस तरीके से होता है, आपने यहाँ प्रोडक्ट तो भेज दिया, लेकिन दोस्तों देखिए कैसे रास्ते में चलते चलते फ्रॉड हो जाता है, पीस कैसे बदल जाता है, करते क्या बंदे इस प्रकार से भागते, एक बिल निकालते हैं इस प्रकार से बस, और पन्नी अलग होती है, ये जो टी-शर्ट है ये निकाल कर अपने पास रख लेते हो रास्ते में चलते हुए, इस प्रकार से अपने पास रख लिया और करते क्या इस प्रकार की दूसरी पन्नी लेते हैं और सड़ी गली बनियान चाहे कूड़ा कचरा यहाँ पे डाल देते हैं। अब सेम पन्नी आ गया यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट आ गया, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे इस प्रकार से पैक करके रिटर्न कर देते हैं। अब आपने भेजा तो ये टी-शर्ट था लेकिन यहाँ पे कुछ और आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो गया। जब रिटर्न आता है तो आपने बोला कि मैंने भेजा तो 180 रुपए का चीज लेकिन मेरे पास आ गया कूड़ा 10 रुपए का भी जिसकी कोई कीमत नहीं है। यहीं पे नुकसान होना शुरू होता है और जब भी आप कहते हैं अब ऑनलाइन से नमस्ते, कुछ नहीं कर सकता मैं लाइन, तो इसका तोड़ मैं बताता हूं कैसे करना है आपको, कि वो कितना भी दिमाग और ताकत लगा ले वो ऐसे बदल नहीं सकता। वो अगर दिमाग लगा रहे तो आप क्या करिए, माल तो पैक कर दीजिए, पैक करने के बाद पन्नी के ऊपर रख दीजिए इस प्रकार से बिल। और करना क्या है आपको दोस्तों, इस प्रकार से ऊपर रखने के बाद एक टेप खरीदिए, टेप खरीदने के बाद इस ऐसे उठाना सोचेगा, ये अगर इस प्रकार से बिल जैसे हटाएगा ये बिल आपका फट जाएगा। फिर क्या, रास्ते में चलने वाला फ्रॉड जो चेंज करने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर आपका ये 180 रुपए का रिटर्न पूरा पीस भी आपके पास आ जाएगा, तो समझ लीजिए आपका नुकसान कम होगा। किस प्रकार से बचा जाता है रिटर्न से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।